हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ग्रंथ के संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और विनय पिटक भी और सूत पिटक, ये तीनों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। विनय पिटक में बौद्ध के नियम का उल्लेख किया गया है, बौद्ध धर्म के नियम मिलता है विनय पिटक में। और गौतम बुद्ध के कहेगा गौतम बुद्ध उपदेश का उसका उल्लेख किया गया है सूत पिटक में। गौतम बुद्ध के उपदेश के उल्लेख मिलता है सूत पिटक में और बौद्धों के नियम का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। भारतीय भूभाग को दो भागों में बांटती है, तो भारतीय भूभाग को दो भाग में बांटती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे अधिक गुजरती है? सबसे अधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे मकड़ी घोषाल। दो नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सरदा एक्ट का संबंध किससे है? सरदा एक्ट के संबंध हो जाएगा बाल विवाह से। और ये कब लाया गया था? तो 1929-30 में। बुड डिस्पैच के संबंध किससे है? तो बुड डिस्पैच के संबंध हो जाएगा शिक्षा से। और ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में लाया गया था। कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुआ था और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये स्थित है राजमंदूरी में। और भवन कहेगा भवन निर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो भवन निर्माण केंद्र रुड़की में स्थित है। भारतीय गणना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भारतीय गणना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी कहेगा तो ये भी लखनऊ में है। कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है अहमदाबाद में। चार नंबर हो जाएगा, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा कहेगा तो ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। इसका ट्रिक हो जाएगा पिताजी, यानी कि पिताजी से हो जाएगा पीतल तांबा जस्ता। पीतल किसका हो जाएगा? तांबा जस्ता। और कांसा जो होता है ये तांबा और टीन के मिश्र धातु होता है। आगे देखेंगे, पाँच नंबर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है ये 25 वर्ष होना चाहिए। जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि जो इसके 1/3 सदस्य है ये 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा कहेगा तो 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। छः नंबर हो जाएगा, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त के शुद्धिकरण करता है किडनी। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा थायराइड। आगे देखेंगे, फेफड़ा को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है टीबी। और रक्त कहाँ पे बनता है? मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में, यानी कि रक्त के निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 20वें टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाते हैं। आगे देखेंगे, सात नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। स्थापना हुआ था 1977 में। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये लखनऊ में है। भवन निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे में स्थित है। आठ नंबर हो जाएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। अनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को अनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। और इन्होंने अनुवंशिकी के प्रयोग के लिए कौन से पौधे के चुनाव किए थे? तो मटर के पौधे के चुनाव किए थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नौ नंबर, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है इटली के रोम में। स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। गठन हुआ था 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय लंदन में है, गठन 1961 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के गठन कब हुआ था? 1966 में। मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में, यानी कि एशियाई विकास बैंक।
WHO के मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। 10 नंबर हो जाएगा, दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो ये बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण। बैक्टीरिया के खोज कब हुआ था? 1676 में, और ये किए थे लीमेनहॉव के। काला जार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोवा के कारण काला जार और मलेरिया होता है। विषाणु के खोज हुआ था 1892 में, और ये किए थे रूस के वैज्ञानिक यूनास्की ने। फंगी जिसको कवक कहते हैं, इसके कारण दाद और खुजली होता है। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे नेकचंद। वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर थे। और चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के निर्माण कौन करवाए थे? नेकचंद करवाए थे। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई किस नदी पे हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी पे। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो ये हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर के सेना। रसायन के कहेगा, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी थे। 12 नंबर देखेंगे, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो ये हुआ है परवाल भीती के द्वारा। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है, ये हुआ है परवाल भीती से। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से किसका निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। नदी के अपरदन से सर्वाधिक, यानी कि पेड़ जो नदी के अपरदन से क्या होता है? तो नदी के अपरदन से मिट्टी के कटाव होता है। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला में। 14 नंबर हो जाएगा, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान स्थित है बेंगलोर में। और राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पणजी में स्थित है। कपड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। 15 नंबर हो जाएगा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अरब लीग के मुख्यालय हो जाएगा काहिरा में। नाटो के मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, और इसका गठन हुआ था 1949 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में। गठन हुआ था 1945। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हो जाएगा 1923 में, और कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के लियोन में। लियोन फ्रांस इसका मुख्यालय हो जाएगा, और गठन हुआ था 1923 में। आईडीबीआई बैंक के गठन कब हुआ था? 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था 1946 में, मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड के दहेग में स्थित है। नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे? तो बेलग्रेड में। 17 नंबर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 352 के तहत। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 30 दिन के भीतर। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत से कहिएगा तो व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। संसद के अंग 3 होता है, और सदन कहेगा संसद के तो 2 सदन है। संसद के 2 सदन हो जाएगा ऊंचे सदन हो जाएगा राज्यसभा, और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। अंग कहेगा संसद के तो लोकसभा है, राज्यसभा है, और राष्ट्रपति हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो जाएगा 7वां,
और इससे कहेगा बड़ा देश कौन कौन सा है, तो इससे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो हो जाएगा रूस, और इसके बाद हो जाएगा कनाडा, उसके बाद हो जाएगा अमेरिका, और चार पे हो जाएगा चीन, पाँचवा नंबर पे है ब्राज़ील, छठा नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवा नंबर पे है अपना देश भारत। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के जो स्थान है सातवा है, और इससे जो बड़े छः देश है वो हो जाएगा, पहला बड़ा देश हो जाएगा रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद हो जाएगा अमेरिका, इसके बाद चीन, उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील, और इसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सात नंबर पर भारत। 19 नंबर है मेटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मेटेरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मौसम का। और पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी या पोडोलॉजी में मिट्टी के अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में कहेगा तो फल के अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी में मिट्टी के अध्ययन और पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। 21 नंबर है भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो ये होती है सेबी पर। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी जो होता है ये सेबी पे होता है। सेबी के गठन किस समिति के तहत हुआ था, तो ये हुआ था फेरवानी समिति के तहत। सेबी के जो गठन हुआ था फेरवानी समिति के तहत हुआ था 1988 में, और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 1992 में। एसबीआई के गठन हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई के प्राचीन नाम कहेगा तो इंपीरियल बैंक था, जिसका गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक के नामकरण करके 1955 में इसे एसबीआई नाम दिया गया। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में एक्ट 1934 के तहत, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। पीएनबी के गठन हुआ था 1894 में। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है चंडीगढ़ में, जिसे कौन बनवाए थे, तो नेकचंद। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है केरल में। मीनाक्षी मंदिर कहेगा तो मदुरई के तमिलनाडु में स्थित है। जो पांडिचेरी उच्च न्यायालय है ये 3 राज्य तक फैला हुआ है। 23 नंबर हो जाएगा पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो पहला जो अगस्त क्रांति एक्सप्रेस है ये चलाई गई थी दिल्ली से मुंबई, कहाँ, तो दिल्ली से मुंबई। और पहला राजधानी एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से हावड़ा के बीच, और इसकी शुरुआत हुआ था 1969 में। भारत में पहली जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, और दूरी कितनी थी, तो 34 किलोमीटर थी। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नदी कहेगा तो सतलज नदी पर, किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। तुलबुल जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है, और ये झेलम नदी पे स्थित है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पे स्थित है। नामदफा कहेगा अभयारण्य कहाँ पे है, तो नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 25 नंबर हो जाएगा WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्थापना हुआ था 1995 में, और इसका प्राचीन नाम कहेगा तो गैट हो जाएगा, और इसका स्थापना हुआ था गैट के 1947-48। नाम के मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाम के मुख्यालय हो जाएगा लंदन, और इसका गठन हुआ था 1961। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या है, तो जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा हो जाएगा उर्दू। नागालैंड के राजकीय भाषा हो जाएगा अंग्रेजी। और कहेगा मुगल के दरबारी भाषा कौन सी थी, तो ये थी फारसी। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज ये उड़ते हैं समताप मंडल में। और कहेगा जो सभी वायुमंडलीय घटना होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के घनत्व जो होता है ये सबसे ऊंचे होता है। जो पराबैंगनी किरण है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण, इसे कौन सोख लेता है, तो इसे सोख लेता है ओजोन मंडल में स्थित ओजोन परत। संचार उपग्रह कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर है
संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या हो जाएगा 6 और कार्यकारी भाषा की संख्या कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा 2 है और आधिकारिक भाषा हो जाएगा 6। आधिकारिक भाषा में कौन कौन से है देख लेते हैं। चीनी हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा, चीनी, स्पेनिश, अरबी, रूसी और अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। ये आधिकारिक 6 भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ के। चीनी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा, रूसी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा और फ्रेंच हो जाएगा। और कार्यकारी भाषा में होता है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसके प्रमुख अंग भी 6 हैं। 29 नंबर देखेंगे, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। काव्य मीमांसा के रचना किसने किया था? तो ये किए थे राजशेखर। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिवानंद और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। 30 नंबर है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये ऑप्शन अनुसार है, ये हो जाएगा NO2। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये ऑप्शन अनुसार हो जाएगा NO2। कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑटोमोबाइल के प्रदूषण से निकलता है, जिसमें ये जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी कर देगा और जिससे मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। जो मीथेन गैस है इसे अन्य नाम कहेगा, तो मीथेन गैस के अन्य नाम हो जाएगा मार्स गैस। और ये कहाँ से निकलता है? तो धान के खेत से या गोबर गैस प्लांट से। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर हो जाएगा, सार्स में ए का मतलब क्या है? तो सार्स में ए के मतलब होता है एक्यूट। सार्स जो रोग है ये होता है विषाणु के कारण। और सार्स के फुल फॉर्म कहेगा तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। 32 नंबर है, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसकी आव का पता लगाया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आव का पता लगाते हैं। और यूरेनियम कार्बन डेंटिंग से पृथ्वी और पत्थर की आव का गणना करते हैं। आगे हो जाएगा, 33 नंबर है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। केंद्रीय गाना अनुसंधान केंद्र ये कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो भारतीय जो मुद्रा है विधिक रूप से मान्य है नेपाल में। सार्क जो संगठन है इसका गठन हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसमें टोटल सदस्य देश कहेगा तो टोटल सदस्य देश हो जाएगा 8 और कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसमें 8 जो सदस्य देश है ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और एक हो जाएगा पाकिस्तान। ये सार्क के 8 सदस्यीय देश है। 35 नंबर है, डिप्थेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है गल्ला को या श्वास नली को। अल्जाइमर जो रोग है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। डिप्थेरिया किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। जो ट्रेकोमा रोग है या ग्लूकोमा, ये दोनों जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग है ये आँख को प्रभावित करता है और ये होता है जीवाणु के कारण। आगे देखेंगे, 36 नंबर है, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? जो भारत के 22 राजकीय भाषा है इसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और जब संविधान सभा लागू हुआ था 8वीं अनुसूची में उस समय 14 राजकीय भाषा थी। वर्तमान में कितना है? तो 22 है। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1967 में हुआ था सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो कि हुआ था 1992 में इसमें जोड़ा गया था नमक, ये ट्रिक हो गया नमक, जो कि नेपाली जोड़ा गया था, मणिपुरी और कोकनी भाषा जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था इसके तहत 4 और भाषा जोड़ा गया जो कि हो जाएगा BDMS। कौन कौन सा है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया,
71वां संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में हुआ था इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। 92वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 2003 में हुआ था इसमें जो 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 10वीं अनुसूची के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से, जो कि पारित हुआ था 1985 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 37 नंबर है, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है, तो स्थित है उड़ीसा में। और विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नरोरा कहेगा सुपर थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। और बार्क परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। 38 नंबर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये स्थित है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कानपुर में है। 39 नंबर हो जाएगा 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है, सर एम विश्वेश्वरैया। कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस शब्द किसने दिया था, तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नीदरलैंड के दहेग में। गठन हुआ था 1946 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ है, तो यह है बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक यानी कि ADB के गठन कब हुआ था, 1966 में। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में। 41 नंबर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और कहेगा भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, वही मौसम वेधशाला केंद्र कहाँ पे है, मौसम वेधशाला केंद्र ये पुणे में स्थित है। या राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये भी पुणे में स्थित है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये भी पुणे में स्थित है। मौसम वेधशाला या फिल्म अभिलेखागार या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये सब पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है और बोस अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। 42 नंबर हो जाएगा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। और एक आता है यूनेस्को, यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में, यूनिसेफ के हुआ था 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। नाम के गठन हुआ था 1961 में। और इसका कहेगा इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो नाम क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हो, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।